हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। ये मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपकी पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की जो हमने वीडियो देखी है इंग्लिश में, जो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, उसको आप प्लीज़ हिंदी में बताइए, क्योंकि अगर हमारे को इंग्लिश आती होती तो शायद हमारे अच्छे स्कोर्स भी आ चुके होते। हमारे को हिंदी में अपनी लैंग्वेज में समझाइए ताकि हम इसको समझ पाएँ, क्योंकि गाइज अगर पीटी के अंदर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, भले ही आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कम हो तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। ये मैंने प्रूव कर दिया हुआ है, अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के स्कोर्स निकाले हुए हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कम थी, लेवल बहुत कम था, लेकिन उनके 7 ईच 8 ईच आ चुके हैं, वो भी कम समय में। तो गाइस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी रीडिंग सेक्शन में या अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पीटी रीडिंग फिल द ब्लैंक्स, रीडिंग या राइटिंग फिल द ब्लैंक्स, जिसको हम ड्रॉप डाउन फिल द ब्लैंक्स भी कह देते हैं। गाइज रीडिंग सेक्शन में हमारे पास 5 सबसेक्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ इन द ब्लैंक्स। तो इनमें से रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ इन द ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल द ब्लैंक्स, और सबसे टफेस्ट पार्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो फिल द ब्लैंक्स लगता है, खास तौर के ऊपर रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स। तो गाइज इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता लग सके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोशिश करेंगे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आ सकें। राइट गाइस, आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, 4 रूल्स हैं। रीड द क्वेश्चन, होल क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। ये जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया या सेकंड ऑप्शन नहीं मिला, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपको नहीं मिला तो आप वहां पर टाइम वेस्ट मत करो। एक और बात, टाइम की बात हो रही है, रीडिंग के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 और 35 मिनट्स होते हैं, यू नो डैट राइट। तो आपने ज़्यादातर जो समय लगवाना है वो लगाना है अपना फिल द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ्स के ऊपर। कोशिश करेंगे जो ड्रॉप एंड डाउन वाले फिल द ब्लैंक्स का है उसके ऊपर 2 मिनट के अंदर अंदर आप कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, वो 1.5 मिनट में भी हो सकता है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट मतलब 1.5 मिनट में, और 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट, और रीऑर्डर पैराग्राफ को भी 1.5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स के बीच में ट्राई करो सॉल्व करने की। वैसे वो अनइम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो आपको अगर कोई ब्लैंक नहीं आता है ना तो उसको आप छोड़ दो, क्या पता आपको वो आगे जाके मिल जाए, ठीक है। ये हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, रीड द होल क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कई बार क्या होता है कि ट्रिक्स चल जाती हैं, कई बार नहीं चलती हैं, कई बार आपको खुद अपना ब्रेन यूज करके एज पर सिचुएशन चूज करना पड़ेगा, राइट। ये देखिए, और फॉलो ग्रामर रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट टेंस, इज आर एम बी लगाया है, एन लगाया है तो क्या आएगा, ये रूल्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चूज द सिमिलर वन एज पर सिचुएशन। मान लीजिए आपके 5 ब्लैंक्स हैं, अब फर्स्ट वाले के ऊपर आपको दिक्कत आ रही है कि फर्स्ट वाला का क्या आंसर होगा, अगर आप उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे ना तो बाकी के जो 4 ऑप्शंस है वो सॉल्व नहीं होंगे, उसके ऊपर टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आता है ना तो आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी के करो। बाकी के करने के बाद अगर हमारे को 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, अब देखो 3 ऑप्शंस तो हमारे को एग्जैक्ट पता लग गए हैं, और जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस बचे हैं उनमें से चूज करना ईजी होगा जो 2 बच गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम वापस कर लेंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है,
तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड द होल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ के। वेल इट्स नो वंडर दैट डॉग्स आर डैश एज मैंस बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन पढ़ लो, बोरिंग, पॉपुलर, डेंजर, लेजीनेस। आगे पढ़िए, इस लाइन से हमारे को पूरा पता नहीं लगेगा कि सिंपल लाइन है, कुछ भी हो सकता है। डॉग्स आर लेजीनेस, डॉग्स आर लेजीनेस सुनने में अच्छा लग रहा है, डॉग्स आर लेजी होते फिर कहते थे, ठीक है ना। डॉग्स आर डेंजर, नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स की बात हो रही है, सिचुएशन को समझो ना। बेस्ट फ्रेंड मतलब पॉजिटिविटी। बोरिंग क्या है, पॉजिटिव है, नहीं, लेजीनेस भी नहीं है, डेंजर भी नहीं है, एक ही है जो पॉजिटिव, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। आंसर हमारा आगे आ गया पॉपुलर, पॉपुलर आंसर हमारा आ गया। इसको मैं ग्रीड में करूंगा कन्वर्ट। सिचुएशन को समझो ना आप। लिटल इज नोन अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ फ्रेंडशिप। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट डॉग्स वर वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स टू बी, बी आ गया, बी के पीछे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और ये देखिए, इनमें से कोई थर्ड फॉर्म आपको लग रही है, एक ही लग रही है, वो है डोमेस्टिकेटेड। मेरे को पढ़ने के चाहे मुझे डोमेस्टिकेटेड का मतलब पता ही नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन ग्रामर रूल से अगर हम देखें इसको तो बी के बाद टू बी कंटिन्यूड, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा टू बी कंटिन्यूड, ठीक है ना। बी के बाद क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म एक ही है, जहाँ के इसके पीछे ईडी लगा हुआ है वो थर्ड फॉर्म होगी, सेफ नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे गए, वन नोटेबल इफेक्ट ऑफ दिस लॉन्ग रिलेशनशिप विद ह्यूमंस इज दैट अनलाइक अदर कैनन स्पीशीज डॉग्स कैन डैश ऑन अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। डॉग्स कैन, कैन देखो वरिड, कैन वरिड तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म थोड़ा आ सकती है, बी लगा ही नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, वरिड तो आएगा नहीं। आंसर इन दोनों में से दो, कैन, कैन मास्टर, कैन मास्टर भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, देखो इसमें भी पॉजिटिविटी की बात हो रही है, रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, तो फ्लोरिश मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया जो कि पॉजिटिव, पॉजिटिव है, अच्छा है, फ्लोरिश एज पर सिचुएशन, ठीक है। आंसर आ गया हमारा फ्लोरिश। सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, देखो कितने क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ बच्चे क्रैम कर लेते हैं, हजारों क्वेश्चन कर लेते हैं, 500, 100, पूरी की पूरी वेबसाइट को रट लेते हैं, लेकिन उनमें से कितने आएंगे, एक या दो, वो भी नहीं आएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर है, पता है आपको करना कैसे है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए डजंट मैटर। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कोचिंग देता हूं ना, तो मैं उनको ये कभी नहीं कहता हूं कि ये मटेरियल कर लो, मटेरियल तो देते हैं हम, लेकिन कोई गारंटी थोड़ा है, मटेरियल की गारंटी किसी की नहीं है, गारंटी आपके पेपर पास होगा या नहीं होगा वो भी नहीं है, क्योंकि टीचर ने काम अपना करता है ना, अपने ट्रिक्स एंड टिप्स देके। बच्चे ने अगर परफॉर्म करेगा अच्छा तो ही अच्छे स्कोर्स आएंगे, ये तो जेन्युइन बात है, ठीक है ना। तो आप अपने कंसेप्ट ही क्लियर कर लो, कोई भी क्वेश्चन आए, और ये ऐसा पार्ट है जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो आपके गलत तो भी होंगे प्रैक्टिस के दौरान, ये मत नहीं, ये मत सोचो कि कोई भी आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो इसमें गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सीखो उससे कि ये गलत क्यों हुआ, आगे सिचुएशन क्या है, पीछे सिचुएशन क्या है, कहां मैं गलत जा रहा हूं, ये प्रैक्टिस है, ये कोई फिल्म का वो तो है नहीं, राइटिंग का ऐसे रट्टा लगाया और हो गया, उसमें तो चाहे आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ओके, तो इसका आंसर आ गया फ्लोरिश। आगे बढ़ते हैं, बट रिसेंटली दे आर ऑल्सो असिस्टिंग पीपल विद डिसबिलिटीज एंड इन थेरेपी। डिसबिलिटी देखो, ट्रिमेंडियस का मतलब होता है जबरदस्त, ठीक है ना, इसका मुझे मतलब नहीं पता, ठीक है, कार्निवोर का मतलब है, लेकिन डिसबिलिटी, डिसबिलिटी की जो वर्ड है एंड, एंड का मतलब क्या है कि यहां पर जो वर्ड आएगा ना वो डिसबिलिटी से रिलेटेड होगा, एंड, एंड लगाया हो ना, दो मतलब आपस में जुड़े हुए हैं दो वर्ड्स, उसके रिलेटेड वर्ड है वो कौन सा आएगा, साइंस के रिलेटेड देखो कौन सा वर्ड आ सकता है, इस काम के रिलेटेड, मेडिकल लाइन के रिलेटेड कौन सा वर्ड है, मुझे तो ये लगा एडिंग, एडिंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हम यूज करते हैं, मैं तो ये लॉजिक लगा रहा हूं, फर्स्ट एड, जैसा दिमाग घुमाओगे ना वैसा ही बन जाएगा। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो देखो कि सिचुएशन क्या है, क्या आ सकता है, आंसर आ गया एडिंग, ठीक है। पेशेंट्स, अब देखो पेशेंट्स की बात हो रही है आगे, मैंने पढ़ा नहीं है, आप यकीन मानो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम कर रहा हूं,
इंटरनेट से मैंने ढूंढे, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आगे हम करेंगे वन बाय वन करके। ये मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, देखो कैसे मेरी प्रैक्टिस हुई पड़ी है, प्रैक्टिस मैं खुद पढ़ाता हूँ लोगों को, प्रैक्टिस हुई पड़ी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं जा सकता, मैं भी गलत जा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस है। मेरे और आप में डिफरेंस क्या है, मेरा मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आई एम अ टीचर ओनली, ठीक है। लेकिन टीचर को नॉलेज होती है ज्यादा स्टूडेंट से, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। जब आपको मैंने सारी चीजें दे दी कोचिंग के दौरान, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है कोचिंग के दौरान मेरे से सारी वो चीजें ले लेता है, मेरे और उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है, सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क रहता है, ठीक होगी ना बात। तो आप अंडरस्टैंड करिए इसको करना कैसे है। अब देखो यहाँ पर पेशेंट्स हुवर एडमिटेड थेरेपी डेमोंस्ट्रेटेड डिक्रीज्ड स्ट्रेस इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। एंड देखो यहाँ पर स्ट्रेस को डिक्रीज करने की बात की गई है और हैप्पीनेस को इंक्रीज करने की। एंड डैश इन डैश एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल को सिंपल आया तो काइंड एनर्जी लेवल सुना कभी आपने, नेबरली जोस्टल, जोस्टल के जोस्टल नहीं पता मुझे, लेकिन आंसर आएगा इंप्रूव्ड एनर्जी लेवल्स। कुछ वर्ड्स ना आपस में कोलाकेटेड होते हैं जो सुनने में अच्छा लग जाता है, ठीक है, सुनने में ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर यही आएगा, राइट। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी ट्रिक के जरिए आप आगे आगे हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैसेजेस आ रहे हैं, ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे, इसको थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा जूम कम करते हैं ताकि ऑप्शंस आपको नजर आ जाएं। ये देखिए, ओके अब देखिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, रीड द होल क्वेश्चन एंड चूज द सिमिलर वन, फॉलो द ग्रामर रूल्स। सिंपल है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी मर्जी मेरे से स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं, सबसे पहले मुझे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है। अरे भाई देखो, मैं आपको अगर कोचिंग दूंगा तो 60 से 70% आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। 30 से 40% तो आप खुद करोगे ना आप, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है 2 मिनट्स में करना है। देखो फटाफट, डिस्पाइट प्रोग्रेस ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, मेरे मुंह से निकल गया डेकेड्स, लास्ट टू टाइम, लास्ट टू विजिट, लास्ट टू इक्विटी, नहीं डेकेड्स ही आएगा क्योंकि टाइम की बात हो रही है, अक्सर हमने यूज करते हैं, आंसर आ गया डेकेड्स। स्टिल मोर देन 35% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स की बात हो रही है, ओके, वॉज लिविंग इन स्लम्स। अब देखिए यहाँ पर कोई रीजन्स तो नहीं है, ये देखो इसमें रीजन्स है, लेकिन कई बार भी ऐसे होता है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हम पढ़ें इसको सारा। इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज 71% ऑफ द अर्बन डवेलर्स लिव्ड इन अर्बन, दिस प्रोपोर्शन इज वेरी हाई इन सब सहारन अफ्रीका कॉमा डैश फ्रॉम 61% इन वेस्टर्न अफ्रीका टू 71% इन मिडल अफ्रीका। देखो यहाँ पर कोई परसेंटेज बताई हुई है एक से दूसरी जगह दे, अब देखो नॉलेज थोड़ा हो सकती है 61% टू 71%, होवर भी नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता, बचा क्या हमारे पास, रेंजिंग, रेंज की बात हो रही है ना यहाँ पर, आंसर आ गया रेंज। इट इज ऑल्सो वेरी हाई इंसिडेंट, 94% ऑफ द अर्बन डेवलपर्स इन स्लम्स, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट पढ़ो। क्लोज द एवरेज ऑफ द लेस डेवलप्ड डैश एंड परसेंटेज, यहाँ पर देखो स्लम्स रीजन्स की बात हो चुकी हुई है ऊपर, तो यहाँ पर आंसर हमारा देखो लेस डेवलप्ड लग्जरी, सुना है लेस डेवलप्ड लग्जरी, लग्जरी कोई मतलब लेस डेवलप थोड़ा होती है, प्रिवलेंट मुझे इसका मतलब भी नहीं पता, ठीक है, कॉटरेसी नहीं पता, मैं अनजान हूं इससे, क्योंकि मैं इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको पता ही कुछ नहीं है। जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं उसको कैसे डेवलप करता है, जो होशियार है वो तो अच्छा स्कोर्स ले सकता है, लेकिन जिसकी इंग्लिश वीक है वो उसको कैसे हमने ऊपर करवाना है, ठीक है। तो लेस डेवलप्स एरियाज, यहां पर दोबारा बात हो रही है लेस डेवलप एरिया, कुछ जगह की बात हो रही है, तो आंसर आ गया रीजन्स, और रीजन्स वैसे भी ऊपर मेरे को मिल गया, ये देखिए पूरा का पूरा लाइन मिल गया, लेस डिवेलप्ड रीजन्स, लेस डिवेलप्ड के बाद क्या आएगा, रीजन्स आ चुका है, लेकिन यहां पर रीजन्स है तो हमने सोचना क्यों है, खत्म लगाओ आगे, ओके इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पर,
फटाफट पढ़ो. सिक्स मेंटेन लैक ऑफ एसेस टू सेव ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडिकेट सैनिटेशन आर्टिकल वाटर सैनिटेशन और बंक इंडिकेटर्स यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड डैश सस्टेनेबिलिटी कॉलीवुड मैग्निफिसेंट एनॉर्मसली ग्लोबली. मुझे नहीं आता छोड़ दो. ग्लोबली मिलियन अर्बन डेवलप 4% लैग्ड डैश टू एन इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई. यहाँ पर वाटर सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है, उसको यूज करने की बात हो रही है, इंप्रूव करने की बात हो रही है. लैग डेडिकेटेड सैनिटेशन मोटो दिस वर्ल्ड एंड इनफॉर्मल ओवर कार्डियर परसेंट डेवलपमेंट कंट्री पर्टिकुलर. अब देखो ग्लोबली 134 मिलियन अर्बन ड्वेलर्स 4% लैग्ड डैश टू एन इंप्रूव्ड, मतलब कुछ कमी की बात हो रही है, कमी की बात हो रही है, उसको यूज करने की कमी की बात हो रही है. असेस जरूरी ये नहीं होता कि अगर आपके पास ऊट पटांग ऑप्शंस आ गए, जैसे मुझे इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब भी नहीं पता, वैसे इजी है, इसका मतलब भी नहीं पता, इसका मतलब मुझे पता है, ठीक है ना. तो ये चेक करिए, यहां पर असेस आ गया हाउसिंग नेगोशिएशंस, ठीक है, नेगोशिएशन. अब क्या करें, अब क्या करें, अब डैश सस्टेनेबिलिटी अमंग दी पुट करके देखो कॉलीवुड सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल आ सकता है मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट स्पेलिंग यस मैग्निफिसेंट एनॉर्मसली टू वर्ड एनवायरमेंटल आएगा यहाँ पे, क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता है, ये एक वर्ड है. कोला क्वेश्चन लिस्ट में आप चेक कर सकते हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो आंसर हमारा आ गया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. बाय चांस मान लो आपको 5 में से 4 सही हो जाते हैं आपके, आपकी पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना. कहाँ पर आपके 5 में से 2 सही हो रहे हैं या 1 सही हो रहा है, हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, हमारे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना. इस ट्रिक के जरिए देखो हमने सॉल्व कर लिए. चलो मान लीजिए आपको एनवायरमेंटल का नहीं पता लगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता मान लो, ठीक है ना, बाकी तो पता लग गया ना आपको. अब आप ये मत कहना कि पेपर में तो मुश्किल आते हैं, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है ना कोई चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाइए, यस इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं. थाउजेंड्स ऑफ बेबीज आर बोर्न डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग ओके in the United States each year. It's important that they are dash early and receive appropriate support services in a timely manner. They are working. Working भी आ सकता है. Beamed नहीं आएगा. They are beamed. They are dedicated. Dedicated तो आएगा नहीं. Dedicated first form है. First form तो आएगी नहीं. Is RM के साथ first form नहीं आती है. ये तो आना नहीं है. ठीक है ना. बीम्ड नहीं बन रहा, आ सकता है लेकिन बनेगा नहीं. दे आर वर्किंग भी आ सकता है, कर रहे हैं मतलब ing प्रेजेंट टेंस हो गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस. दे आर वर्किंग अर्ली, दे आर वर्किंग अर्ली. चलो कोई बात नहीं, इसको हम होल्ड पे रखते हैं, सोचना नहीं. टू अर्ली हियरिंग डिटेक्शन प्रोग्राम ये देखो, अबाउट 1 in 500 बेबीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर बोर्न डेफ और हार्ड हियरिंग. यहाँ पर भी बात हो रही है बोर्न डेफ और हार्ड हियरिंग. व्हेन आइडेंटिफाइड मतलब होता है कि उनको आइडेंटिफाई मतलब पता लगना, आइडेंटिफाई, ठीक है. तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड वर्ड है तो हमने लगा दिया आइडेंटिफाइड, ठीक है ना. इसलिए मैं कह रहा था छोड़ दो उसको. बेबीज हु आर डी एच एच मतलब ये डी एच एच का मतलब ये है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है ना. कैन बिगिन इंटरवेंशन अर्ली. अब देखो इंटरवेंशन अर्ली आ गया, यहाँ पर इंटरवेंशन वर्ड ही नहीं है, अर्ली तो है, ठीक है ना, इंटरवेंशन वर्ड ही नहीं है. तो ज्यादातर क्या जाता है आइडेंटिफाइड के ऊपर ही जाता है. वेन आइडेंटिफाइड एट बर्थ, यहाँ पर बात की गई है ना, जब उनका बर्थ हुआ था उनको आइडेंटिफाई किया गया था, तो यही बात हो रही है यहाँ पर भी, बस घुमा दिया उसको. तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आंसर होते हैं
आई होप आपको समझ लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, टू टू के पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात याद रखो। स्पोकन तो आना नहीं है, ठीक है ना। अटेंड फर्स्ट फॉर्म में है, अचीव भी फर्स्ट फॉर्म में है, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है ना। क्लास तो भी नहीं आएगा, क्लास क्लास क्या है, क्लास वर्ब थोड़ा है, क्लास्ड क्लास्ड सुना कभी, क्लास तो नहीं आना। अचीव आएगा या अटेंड आएगा, वो सिचुएशन चेक करते हैं। आर मोर लाइकली टू डैश लैंग्वेज, लैंग्वेज क्लास की तो बात हो नहीं रही है यहां पर, देखिए ना, मोर लाइकली टू लैंग्वेज क्लास अटेंड, फिर हम क्लास, अगर क्लास की बात हो रही होती तो हमारा अटेंड आ जाना था, ठीक है ना। तो आंसर अब क्या आएगा हमारा, अचीव, आंसर आ गया अचीव। अर्ली हेयरिंग डिटेक्शन प्रोग्राम वर्क्स, टू टू के पीछे क्या आएगा हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डैड बेबीज हु आर डी एच एल आर डायग्नोस अर्ली एंड रिसीव द सर्विसेज दे नीड ऑन टाइम। मतलब यहाँ पर वो बात कर रहा है, ऊपर बात कर रहा है कि उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज मिलनी चाहिए, और नीचे वो पक्का कर रहा है कि उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो पक्का करने को क्या कहेंगे हम, इंश्योर, ठीक है ना। अमिड एंड कंसर्न चेंजेस दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम द COVID-19 पेंडेमिक, ई एच डी आई प्रोग्राम आर फाइंडिंग। देखो फाइंडिंग ये तो वर्ब हो गई, अब वर्ब वर्ब के साथ वर्ब थोड़ा आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ब के साथ तो वर्ब आएगी नहीं, फाइंडिंग फाइंडिंग वर्ब है ना भाई, समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो इसके वर्ब के पीछे वर्ब तो आएगी नहीं, गाइड ये भी नहीं आएगा, लर्न वर्ब है, सिक्योर ये भी नहीं आ सकता, बचा क्या क्रिएटिव, आंसर आएगा क्रिएटिव। क्रिएटिव एंड सक्सेसफुल वेज टू यूज टेक्नोलॉजी, वैसे भी यहां पर बात हो रही है सक्सेसफुल वेज टू यूज टेक्नोलॉजी, सिक्योर एंड सक्सेसफुल वेज टू टेक्नोलॉजी ये भी आ सकता है, सिक्योर एंड सक्सेसफुल। बट यहां पर देखिए ना आप, यहां पर फाइंडिंग है, ये यहां पर एक कंडीशन, सारी तरफ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा कि आपको ग्रामर रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस की, कहां पर वर्ब लगना है, सब्जेक्ट ये वो, ठीक है ना। मेरा एक कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, और वो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बताऊंगा अभी, उस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज करिए, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। उसके अंदर सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पोकन इंग्लिश का घर में बैठ के ऑनलाइन कोर्स है, बस सारा कुछ A to Z, वो भी हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, वे टू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड असेस, असेस, देखो असेस वर्ड यहां पर भी आ गया, जो हमने यहां पर लगाया था ना, क्या नाम है उसका, असेस वर्ड छोड़ो पीछे था, असेस टू द रिसोर्सेज एंड द सर्विसेज नीडेड बाय चिल्ड्रन फैमिलीज ऑफ दीज एफर्ट्स आर हेल्पिंग टू अचीव, वो अचीव वर्ड यहाँ पर लगाया था ना हमने, मैं सॉरी अचीव की बात करने वाला था, गलती से मेरे एसएस निकल गया मुंह से, सॉरी फॉर दैट। टू अचीव देयर फुल डैश इन लैंग्वेज, फुल फुल ब्राइट नहीं, फुल पोटेंशियल, यस फुल पोटेंशियल, फुल स्टोरीज, फुल वीव, सुनने ही मैंने अच्छा लग रहा, फुल पोटेंशियल। ठीक है ना, क्षमता, पोटेंशियल होता है क्षमता। जस्ट वेट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं हम, उतने देर तक आप सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व करिए कि क्या आएगा इसका आंसर। ओके ऑल गुड, सॉरी फॉर दैट, आई गॉट सम मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर,
रेडिएशन इज द एनर्जी, ये आप सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट्स हैं, सॉल्व करो, ध्यान से पढ़ो, सिचुएशन को समझो। आई थिंक ये पिछले वाला ही है। पिछले ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, लेकिन वो ठीक है। ओके करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, उसी ट्रिक के साथ करिए। ओके शुरू करते हैं। रेडिएशन इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम डैश एंड ट्रेवल्स। कहां से आती है, जिस चीज से आती है उसको हम क्या कहते हैं इनमें से? सोर्स, सोर्स और टारगेट। सोर्स से आती है, टारगेट तक पहुंच जाती है, सिंपल है ये। तो स्पीड थ्रू स्पीड स्पीड डैश ऑफ ट्रेवल थ्रू रेडिएशन की बात हो रही है। रेडिएशन कहां से आती है? लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन दोनों वेव प्रॉपर्टी जो रेडिएशन में करो, द डिसरेशन वर्ड ऑन टू आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन अ फॉर्म ऑफ एक्ट बाय, बाय के पीछे वर्ब के साथ ING वाला वर्ड आएगा, बाय के पीछे। ठीक है ना, बाय इंश्योर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल द मटेरियल दैट इंक्लूड, बाय रिमूविंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाय इंश्योर। नहीं देखो ना, आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्ट्स बाय डैश इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटम्स, फ्रॉम मतलब एटम से क्या हो रही है, रिमूविंग, रिमूव हो रही है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मटीरियल दैट इंक्लूड एयर वाटर आयनाइजेशन कैन डैश अनसीन एंड पास थ्रू दीज मटीरियल। पास थ्रू, पास थ्रू की बात होती है कि एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारा आएगा ट्रेवल। अरे यार ये तो इजी है, ये देखो, ये देखो, देखो एक्स बाय, यहां पर पता नहीं लग रहा था ना हमारे को क्या आएगा, यहां पर चेक करो, ये आगे मिल गया, डज नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, पूरी लाइन ही मिल गई है। तो यहां पर इंक्लूड है, खत्म कहानी, ये लो इंक्लूड आ गया, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लो। देखो वैसे भी यहां पर जो है ना एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश डैश, यहां पर इंक्लूड है, यहां पर मुझे मिल गया, और यहां पर देखो ऊपर वाला नीचे मिल गया, और यहां वाला नीचे वाला यहां पर आएगा, खत्म होगी कहानी। अब ये मत कहना इतने इजी नहीं आते हैं, आते हैं, आपको यही ट्रिक अपनाई करोगे ना सारा क्वेश्चन ये होगा। करो सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो 5 में से 1-2 क्वेश्चन इजी आ जाएंगे, वो ही हमारे सही हो जाए, इतना ही बहुत है।
चलो पार्टिकल पोल्यूशन ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट मैटर पीएम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स दैट इज देयर पार्टिकल पोल्यूशन कैन कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश कहाँ से आता है कम फ्रॉम न्यूज से थोड़ा आता है कहाँ से आता है सोर्सेस और कौन कौन से हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स फिर इसकी एग्जाम्पल दे दी सेकेंडरी सोर्स सम अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ पार्टिकल पोल्यूशन कैन बी आइदर डैश और सेकेंडरी ऊपर बात ही की तो ही उसने प्राइमरी और सेकेंडरी देखा है इसमें इरिटेशन आस्थमा अरे देखो जानबूझकर उसने ये जानबूझ के इरिटेशन और सेकेंडरी स्मोक फ्रॉम फायर्स एंड एमिशंस फ्रॉम पावर प्लांट्स इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड कार्स एंड ट्रक्स कंटेन पीएम ब्रीथिंग एंड पार्टिकल पोल्यूशन कैन बी डैश टू योर हेल्थ क्या हो सकता ट्रूथ एग्जिस्टेंस इन्वेंट ना सुनने में अच्छा क्या लग रहा है हार्मफुल हार्मफुल होगा ना क्योंकि ऊपर बात क्या हो रही है पोल्यूशन की तो पोल्यूशन जो हमारे लिए अच्छा थोड़ा होता है उसने बताया हेल्थ हेल्थ के लिए क्या होगा कोर्स पार्टिकल्स कॉल्ड पीएम डस्ट फ्रॉम रोड्स फार्म्स ड्राइवर कंस्ट्रक्शन डैश एंड माइंस आर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आउटडोर नहीं कंस्ट्रक्शन कंट्रोलिंग नहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स इजी है फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड PM2.5 आर मोर डैश बिकॉज दे कैन गेट इनटू डीप पार्ट्स ऑफ योर लंग्स और इवन इनटू ब्लड मोर इंक्लूड नहीं रिलीजेस नहीं इनएविटेबल नहीं डेंजरस डेंजरस आएगा डेंजरस होगा तभी तो वो कह रहा है ना तो ऊपर भी तो बात उसकी हो रही थी हार्मफुल की डेंजरस की सो गाइस इस तरीके के साथ आप फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करोगे आई होप आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो इसके अलावा और भी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और टेम्पलेट्स होते हैं एक दूसरे से ले लेते हैं दूसरा स्टूडेंट जो है वो अच्छे स्कोर्स ले लेता है लेकिन जो कई बार जो बंदा यूज़ कर रहा होता है उसके अच्छे स्कोर्स नहीं आते उसकी वजह क्या होती है आपको पता नहीं लग रहा कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो जो रीडिंग के स्कोर्स होते हैं ना तो सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं होते हैं बाकी सेक्शंस में होते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस जो रीडिंग मॉड्यूल है हमारा वो 50 और 55 स्कोर्स का होता है पूरा रीडिंग मल्टीपल से लेकर फिल द ब्लैंक्स तक सारे जो रिमेनिंग 35 मार्क्स है ना वो बाकी सेक्शन से आते हैं और उनमें से रीड अलाउड समराइज रिटन टेक्स्ट लिसनिंग में हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और लिसनिंग में हाईलाइट करेक्ट समरी अगर 35 में से हमारे 30 और 32 मार्क्स आ जाते हैं ठीक है और 55 में से हमारे 40 मार्क्स आ जाते हैं तो टोटल करके देख लो कितने हो जाते हैं 40 प्लस 32 72 तो आपके यही स्कोर्स हो गए और अगर आप विदाउट कोचिंग जाते हो मे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाए लेकिन इसके अलावा भी और टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए प्रैक्टिस अगर आप खुद करोगे मे भी आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आपको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्कोर्स ले चुके हैं मैं और अगर आपको गाइस कोचिंग चाहिए तो सामने दिए के नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करो ऑनलाइन कोचिंग है ऑस्ट्रेलिया से हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ठीक है टिप्स एंड ट्रिक्स टेम्पलेट्स हर एक स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करते हैं कोशिश ये है कि हम हमारे अलग अलग पैकेजेस होते हैं 1 वीक 2 वीक 3 वीक और 4 वीक हाँ एक और बात याद रखना बच्चे क्या जाते हैं कम से कम समय लगे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए अब मेरी इस वीडियो के बाद कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी करेंगे 1 वीक का क्या प्राइस है 2 वीक का क्या प्राइस है अरे भाई आप अपना लेवल तो चेक करो ना पहले आपका लेवल है 1 वीक वाला या 2 वीक वाला तभी आप हम बच्चे के लेवल के अनुसार कोचिंग देते हैं आपका लेवल जितना है अब अगर आप एग्जाम में जाते हो और 2 या 3 मार्क्स से रह जाते हो तो हम आपको 1 या 2 वीक का कहेंगे देख के स्कोर कार्ड फर्स्ट टाइम जा रहे हो और कहोगे जी मुझे 1 वीक की कोचिंग चाहिए ऐसा नहीं होता अंडरस्टैंड इट हमें टाइम और पैसा दोनों बचाना है तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगी हो लोगों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को पता लग सके रीडिंग इज इजी बट आपको टेक्निक्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए बल्कि हर एक सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक